डॉक्टर जाकिर नायक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाइत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालदैन मुस्लिम है? इसीलिए सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहि सलाम से लेके इब्राहिम अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालदेन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था, 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालदेन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा, मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के, अब आज मैं मुसलमान हूँ बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम, यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूँ, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत करें, वला अनुष्य का भी शही हो, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ, वला अनुष्य का भी शही हो, वला यत्तखीज़ अबादन अबादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं, वला अनुष्य का भी शही हो, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें, और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालव इला कलिमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मैं कई चीज़ें गीता के भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें वेद के भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेतसत्र उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस खुदा के कोई वालदेन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालदेन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेतसत्र उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्म सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्म दिव्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पर अमल करता हूं।
सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहि सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, क्षमा इज़राइलो अदनाइन अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहि सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहि सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज़ दोहराई, क्षमा इज़राइलो अदनाइन अदनाइखद, कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूँ, वेद की बात को मानता हूँ। तो जो चीज़ यक्सा है सारे मजाहब में उस चीज़ पे अमल करता हूँ। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि जितने मजाहब की किताब है कुरान मजीद के अलावा, वक्त के दौरान बदलते गए उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुबहाना व ताला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन मज़हब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मज़हब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूँ। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस्लाम से बेहतरीन मज़हब है ही नहीं। जब मज़हब ही नहीं तो कहने में क्या डर, बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मजाहब का तालिबे इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? भाई साहब जी आप मानते हैं एक अल्लाह में? हाय जी मानते मानते हाँ कि नहीं जी? आप एक अल्लाह में मानते हैं या एक से ज्यादा? एक से मानता हूँ। एक अल्लाह में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस। आप मानते? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी आप चाहेंगे? हाँ। माशाल्लाह आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते? हाँ। आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी। कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव? नहीं। फिजिकल प्रेशर? नहीं। इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं। आप दिल से करना चाहते? यस। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए, अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ के मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे है माशाल्लाह। आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जद्दोजहद कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। जज़ाकअल्लाह शुक्रिया।